ये शिक्षा ही है जिसमें देश को सफल बनाने, देश का भाग्य बदलने की सर्वाधिक जिसमें ताकत है वो शिक्षा है। आज 21वीं सदी का भारत जिन लक्ष्यों को लेकर आगे बढ़ रहा है उसमें हमारी शिक्षा व्यवस्था का भी बहुत ज्यादा महत्व है। आप सभी इस व्यवस्था के प्रतिनिधि हैं, ध्वजवाहक है, इसलिए अखिल भारतीय शिक्षा समागम का हिस्सा बनना मेरे लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण अवसर है। मैं मानता हूं विद्या के लिए विमर्श जरूरी होता है, शिक्षा के लिए संवाद जरूरी होता है। मुझे खुशी है कि अखिल भारतीय शिक्षा समागम के इस सत्र के जरिए हम विमर्श और विचार की अपनी परंपरा को और आगे बढ़ा रहे हैं। इसके पहले ऐसा आयोजन काशी के नवनिर्मित रुद्राक्ष सभागृह में हुआ था। इस बार ये समागम दिल्ली के इस नवनिर्मित भारत मंडपम में हो रहा है। और खुशी की बात यह है कि विधिवत रूप से भारत मंडपम के लोकार्पण के बाद ये पहला कार्यक्रम है। और खुशी इसलिए बढ़ जाती है कि पहला कार्यक्रम शिक्षा से जुड़ा कार्यक्रम होगा। साथियों, काशी के रुद्राक्ष से लेकर इस आधुनिक भारत मंडपम तक अखिल भारतीय शिक्षा समागम की इस यात्रा में एक संदेश भी छिपा है। ये संदेश है प्राचीनता और आधुनिकता के संगम का, यानी एक और हमारी शिक्षा व्यवस्था भारत की प्राचीन परंपराओं को सहज रही है, आधुनिक साइंस और हाईटेक टेक्नोलॉजी इस फील्ड में भी हम उतना ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस आयोजन के लिए शिक्षा व्यवस्था में आपके योगदान के लिए आप सभी साथियों को शुभकामनाएं देता हूं, साधुवाद देता हूं। संयोग से आज हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 3 साल भी पूरे हो रहे हैं। देश भर के बुद्धिजीवियों ने, एकेडमिशियंस ने और टीचर्स ने इसे एक मिशन के रूप में लिया और आगे भी बढ़ाया। मैं आज इस अवसर पर उन सभी का भी धन्यवाद करता हूं।
अभी मैं यहां आने के पहले पास के पेवेलियन में लगी रही प्रदर्शनी देख रहा था। इस प्रदर्शनी में हमारे स्किल और एजुकेशन सेक्टर की ताकत को, उसकी उपलब्धियों को दिखाया गया, नए नए इनोवेटिव तरीके दिखाए गए। मुझे वहां बाल वाटिका में बच्चों से मिलने का और उनके साथ करने का भी मौका मिला। बच्चे खेल खेल में कैसे कितना कुछ सीख रहे हैं, कैसे शिक्षा और स्कूलिंग के मायने बदल रहे हैं, ये देखना मेरे लिए वाकई उत्साहजनक था। और मैं आप सबसे भी आग्रह करूंगा कि कार्यक्रम समाप्त होने के बाद जब मौका मिले तो जरूर वहां जाकर के इन सारी गतिविधियों को देखें। साथियों, जब युग बदलने वाले परिवर्तन होते हैं तो वो अपना समय लेते हैं। 3 साल पहले जब हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा की थी तो एक बहुत बड़ा कार्यक्षेत्र हमारे सामने था, लेकिन आप सभी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए जो कर्तव्य भाव दिखाया, जो समर्पण दिखाया और खुले मन से नए विचारों का, नए प्रयोगों का स्वीकार करने का साहस दिखाया, ये वाकई अभिभूत करने वाला है और नया विश्वास पैदा करने वाला है। आप सभी ने इसे एक मिशन के तौर पर लिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम से लेकर फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी तक उसको बराबर एक बैलेंस वे में उसको अहमियत दी गई है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में नया पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं की पुस्तकें लाने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए देश में रिसर्च इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए देश का शिक्षा जगत के सभी महानुभावों ने बहुत परिश्रम किया है। देश के सामान्य नागरिक और हमारे विद्यार्थी नई व्यवस्था से भली भांति परिचित है। वो ये जान गए हैं कि 10+2 एजुकेशन सिस्टम की जगह अब 5+3+3+4 ये प्रणाली पर अमल हो रहा है। पढ़ाई की शुरुआत भी अब 3 साल की आयु से होगी। इससे पूरे देश में एकरूपता आएगी। हाल ही में संसद में नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बिल पेश करने के लिए कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी जल्द ही लागू हो रहा है। मुझे बताया गया है कि फाउंडेशन स्टेज यानी 3 से 8 साल के बच्चों के लिए फ्रेमवर्क तैयार भी हो गया है, बाकी के लिए करिकुलम बहुत जल्द ही हो जाएगा। स्वाभाविक तौर पर अब पूरे देश में CBSE स्कूलों में एक तरह का पाठ्यक्रम होगा। इसके लिए NCERT नई पाठ्यपुस्तकें तैयार कर रही है।